इंटलैक्चुअल ली uh, किस तरह से ये आप एक चार्ट देखोगे कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअली डिक्लाइन करी हैं जिस तरह से एजिस ट्वेंटी टू फोर्टी जो है इसमें आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है दैट इज़ ऑन पीक ठीक है बोथ क्रिस्टलाइन एंड फ्लुइड जो इंटेलिजेंस होती है दिस इज़ क्रिस्टलाइन इन एंड फ्लूड इंटेलिजेंस ये होती है कि कुछ इंटेलिजेंस हम इन्हारट करते हैं और कुछ हम थ्रू एक्सपोजर लर्न करते हैं ठीक है तो दैट इज़ इन पीक 42-55 में मेंटेन स्किल ऑन वर्बल और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस इंटैक्ट रहती है बट ओल्ड एज में सम लॉस ऑफ वर्बल एंड क्रिस्टलाइन आई क्यू मोर नोटिसबल इन एडल्ट विद पुअर हेल्थ कॉन्टी लॉस ऑफ स्किल्स ऑन फ्लूड आई क्यू ठीक है जिस तरह से एल्डरली जो हैं उन वो काम कामों में या ऐसा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं इस तरह की चीज़ जिसमें ज़्यादा जो है वो चाहिए होती है इंटेलेक्ट चाहिए होती है वो नहीं कर पाते ठीक है जैसा से आप अगर उनको कंप्यूटर या ऐसा की चीज़ें सिखाओगे तो आप यंग को सिखाओगे तो वो आधे पौने घंटे में सीख जाएगा उसको हैंडल करना बट एक एल्डरली को शायद हफ्ता दो हफ्ते लगें उस चीज़ को समझने में और आपको समझाने में ठीक है तो ये अगेन आपकी कितनी पेशेंस है और उनकी कितनी पेशेंस है ठीक है तो वक्त के चीज साथ साथ इस तरह लर्निंग जो है वो कम होती जाती है क्योंकि आपकी जो क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस है मतलब लर्निंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट डिक्रीज हो जाता है ठीक है मेमोरी पहले भी डिस्कस हो चुका है 20 टू 40 इयर्स में मैक्सिमम होती है 45 टू 55 में थोड़ी बहुत ही चेंजेस आती हैं बट अगेन ऑन ओल्ड एज ड्यू टू सम डिजीज़ लाइक डिमेंशिया एल्जाइमस पकिनसन और फिजियोलॉजिकली अगर वो हैं तो मेमोरी जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है ठीक है फिजोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें डायबिटीज़ की वजह से भी मेमोरी अफेक्ट होती है ठीक है जो इन्फेक्शनज हैं उससे भी मेमोरी इफ़ेक्ट होती है फिर जो मेडिकेशन होती है दैट इज़ आल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द मेमोरी ऑफ ओल्ड एज पीपल ठीक है अच्छा प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग स्किल्स अगर आप देखें तो ट्वेंटी टू फोर्टी में वो um, ज़्यादा मैक्सिमम होंगे लेकिन ओल्ड एज में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस तरह से नहीं रहते ठीक है um, जो जिस तरह से मारियानी में बताया कि सीढ़ियों पे खड़े हो जाते हैं डायरेक्शंस नहीं पता चलती, अक्सर एल्डरली ड्राइव नहीं कर सकते रात के वक़्त नज़र नहीं आता रास्ते नहीं पता चलते ठीक है तो ये बेसिकली ये दैट इज़ रिलेटेड टू टोपोग्राफी आपको डायरेक्शनल डिसऑर्डर ओल्ड एज में हो जाता है जिसकी वजह से आपको रास्ते याद नहीं रहते या आप बिल्कुल हेल्पलेस um, जो है वो खड़े होते हैं आप दस दफ़ा उस जगह पर आ आ चुके होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप किधर जाना है ठीक है तो ये बेसिकली इज वेरी मच रिलेटेड टू योर ब्रेन परफॉर्मेंस ठीक है वक्त के साथ साथ आपकी जो न्यूरॉन्स हैं से एक्टिवली मैसेजेस को नहीं फायर कर रहे आपके फिजियोलॉजिकल इतने इश्यूज़ हैं जिसने आपके साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किया ठीक है और उससे आपकी इंटेलेक्ट आपकी परफॉर्मेंस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सारी रिलेटेड है ठीक है अगर हम फिज़िकल uh, डिजीज़ की बात करें ठीक है बिफोर जंपिंग इनटू मेंटल हेल्थ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एल्डरली uh, वमेन को पैनिक अटैक्स एन्जाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इकोलॉजिकल इशूज uh, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं uh, uh, कि फिजियोलॉजिकल डिजीजिज इन साइकोलॉजिकल डिजीज आर रिलेटेड टू इच अदर हार्ट डिजीजेस का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हार्ट डिजीज मोर इन वुमेन एज कंपेयर टू मैन ठीक है इसी तरह से जो कैंसर्स हैं जिसमें यूजली ब्रेस्ट कैंसर है दैट इज मोर कॉमन इन वुमेन एज कंपेयर टू मैन ठीक है उसके बाद कैंसर्स की जो सवेरेस्ट फॉर्म है थर्ड डिग्रीज़ फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हैं फीमेल में एज कम्पेयर टू मैन और आई प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें डब्ल्यू एच ओ की रिसर्च थी उसमें ये था कि आई प्रॉब्लम्स में जो कैटरेक्ट के इश्यूज़ हैं या आई एग्ज़ामिनेशन के या जो ओल्ड पीपल के लिए आई आई कैंप्स लगते हैं उसमें जो एल्डरली uh, वमन का एंट्री रेट था वो बहुत कम था ठीक है और जैसे मारिया ने पहले कहा कि क्यों में हम डिसेबिलिटी को और इन चीज़ों को और वुमेन को उसके साथ रखते हैं इसी तरह से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो डिसेबिलिटी के कैंप्स लगते हैं ना डिफरेंट से लास्ट uh, ईयर जो था ये uh, uh, जो फेडरल स्पेशल एजुकेशन जो हमारा इस्लामाद का है ये डिफरेंट कैंप्स लगा रहे थे ठीक है तो उन कैंप्स के सिलसिले में मैं कुछ एक्टिवली डिसेबिलिटी से रिलेटेड इन्वॉल्व थी उनके साथ ठीक है तो उनका जो मतलब था ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी हम कैंप लगाएंगे अच्छा कैंप किसके लिए लगाएंगे आँखों का कैंप लगाएंगे और हमारे साथ फिजियो के लोग हैं हम फिजियो का कैंप लगाएंगे और साथ मेडिकल का कैंप लगाएंगे ठीक है तो मे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन से तो ऑबली ये डिसबिलिटी से रिलेटेड लगाएंगे बट उनके ऑब्जेक्टिव थे कि डिस्बल प्लस एल्डरली दोनों को उन्होंने केटर करना था ठीक है क्योंकि एल्डरली के साथ भी तो डिसेबिलिटी का वो आता है ना ठीक है उस कैंप्स में भी मैंने ऑब्जर्व किया कि फीमेल्स जो थी उनका रेशो या उनका जो था वो कम था अगेन जो गांव दूर जो जिस फेडरल के देहात हैं उनमें जब वो कैम्प लगा तो वो जो मर्द हजरा थे वो तो घूम फिर के कहीं से सुन के पहुँच जाते थे ठीक है फीमेल्स के लिए फिर ये था कि उनके लिए अरेंजमेंट ये किया हुआ था कि एक मोबाइल टीम रखी हुई थी जो फीमेल्स को घर जाके विज़िट करती थी ठीक है तो बहुत कम जो एक्टिव फ़ीमेल्स थी वो सुन के इधर उधर से आ जाती थी लेकिन ज़्यादा जो एंट्री रेट या ज़्यादा जो चेकअप्स हुए थे वो मेल के हुए थे ऑन द कैम्प ठीक है और जो फीमेल्स थी ज़्यादातर वो ये था कि बेडरिडन थी नहीं आ सकती घर के काम काज थे और जो था वो इस तरह की चीज़ें थी कि वो नहीं उसको कैंप uh, 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 तक नहीं पहुंच सकी थी ठीक है और उसमें जो रीज़न्स थे मेजर वो यही थे कि बहुत बुरी हैं हड्डियों में दर्द है बेड पे रहती हैं ठीक है थीके? फिर यह है कि घर में जो जानवर वगैरह हैं उनको चारा डालने का टाइम आ जाता है तो ये सुबह सुबह उन चारा डालती हैं और इस तरह से तो घर के काम काज में इतनी इन्वॉल्व है कि कैंप नहीं आ नहीं आ सकती ठीक है तो ये सारे मतलब जो इंडिजिनस रीजनस देखे जाएँ तो ये हैं जिससे एंट्री रेट ऑफ़ वुमेन इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू मैन ठीक है अच्छा इफ़ यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इमोशनल रिएक्शंस रेज रेज इज़ अगेन गुस्सा ठीक है और ये गुस्सा इज़ रिलेटेड टू लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक है गुस्सा कब चढ़ता है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना ठीक है या फिर दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि एनेमिक वुमेन को बहुत गु़स्सा चढ़ता है ठीक है अक्सर जो एनामिक माएँ होती हैं वो बच्चों को डांट रही होती हैं बग़ैर रीज़न के डांट रही होती हैं ठीक है थीके? तो अब यही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन नीड्स टू एनमिया इन ओल्डर वमेन एज वेल ठीक है तो इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और रेज इज़ डिफरेंट कि वो फ़ोरन से गुस्सा चढ़ता है और विदाउट एनी रीज़न गुस्सा चढ़ता है ठीक है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं वॉट आर साइकोसोमैटिक डिस सोमा इज बॉडी ठीक है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि बहुत सारी जो बुरी खुवात हैं वो इन कम्प्लेंस के साथ आती हैं कमर में दर्द है टांगों में दर्द है सर में बहुत दर्द होता है कंधों में बहुत दर्द होता है ये जगह हर वक्त पकड़ी रहती है तो ये बेसिकली सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं जो बेसिकली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से पैर हो रहे होते हैं ठीक है आप लोगों को स्ट्रेस होता है तो क्या होता है पहले फिजोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं उसके बाद सारी बॉडी जो है ना वो उसमें बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं आपके शोल्डर्स आपका ये नेक सर में दर्द हो जाएगा ठीक है जिसम कांपना शुरू हो जाएगा तो वो ये क्या सोमैटिक सिम्टम्स हैं ठीक है अच्छा अब ये सोमैटिक सिम्टम्स जो हैं जब ये फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी में इंक्रीज हो जाएँ तो ये सोमैटिक डिसऑर्डर्स बन जाते हैं और अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द ओल्ड एज वुमेन जो है वो सोमैटिक सिम्टम्स के साथ आती हैं ठीक है टांगों में दर्द होता है पट्ठे अकड़े रहते हैं ठीक है टांगों में जान नहीं है ठीक है तो ये बेसिकली इसके पीछे जब एक्सप्लोर किया जाता है तो सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं ठीक है जवान जो है वो बेटा मर गया बाकी जो थे वो बच्चे लेके चले गए घर में जो है वो अम्मा बिल्कुल अकेली रह गई ठीक है इर्द गिर्द के जो लोग हमसाए हैं हम हैं वो जो हैं कुछ जमा करके पैसे दे देते दे हैं ठीक है तो लोनलीनेस ठीक है तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सोमैटिक सिम्टम्स में अपेयर होकर आते हैं हाइपोकॉन्ड क्या होता है आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिनको हाइपोकॉन्ड होगा सब बूढ़ों को होता है ठीक है बेसिकली होता ये है कि जिस तरह से मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं वो अगर किसी को देख के आ जाते हैं ना किसी बीमार को तो वो फिर उनको लगता है कि उनको वो मसला हो गया है ठीक है किसी डायबिटीज़ वाले को देखेंगे तो कहेंगे मुझे भी लगता है कि ये मुझे जो है ना मुझे शुगर हो गई है ठीक है किसी कैंसर पेशेंट से मिलके आएंगे तो उनको वहम लग जाएगा कि जी मुझे लगता है कि मुझे भी कैंसर हो गया है ठीक है किसी हार्ट पेशेंट से मिलके आए किसी से सुन लेंगे नेबर्स में से किसी से सुन लेंगे हॉस्पिटल बिल्कुल ये वही वाला हाइपोक है, है ठीक है तो सातवां चैप्टर था <laughs> उसको। हाँ ये बस उसको हाइपोक ठीक है तो ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होता है ठीक है जब वो मिलके सब शेयर करते हैं तो उनको लगता है कि अब हमारे भी टेस्ट कराओ हमें लगता है हमें भी यही मसला हो गया ठीक है ठीक है डिनायल ठीक है वन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिनाइल है ठीक है बहुत सारे एल्डरलीज जैसा से मारिया ने बात की कि मैन के, के लिए ज़्यादा शॉक होता है पार्टनर को लूज़ करना इसलिए मैन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है कि जब वो रिटायर हो जाता है बूढ़ा मतलब ओल्ड एज में आगे एक्सेप्टेंस नहीं आती है ठीक है तो वो अपना कॉन्टिन्यू Uh, रखते हैं जॉब और इस तरह से और डिस्पाइट देयर फिज़िकल इन फिज फिजोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो कंटिन्यू करते रहते हैं चीज़ें ठीक है उनकी बॉडी इजाज़त नहीं देती अक्सर लोग जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि जी हम अम्मी को मना करते हैं कि आप घर के काम काज मत करें वो चलें फिरें नहीं गिर जाएंगी तो वो नहीं सुनती हैं हमें ये डर होता है सीढ़ियों से गिर जाएंगी इस तरह से ये क्या है बेसिकली डिनयल है ठीक है यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि आप कि वो फिज़िकल पावर नहीं रही है जो पहले थी आप वो आप केयरफुली चलना है क्योंकि आप वनरेबल हो आप एट रिस्क हो ठीक है आप उस तरह से आप सीढ़ियाँ उतर चढ़ नहीं सक सकते आप उस तरह से लंबे सफ़र नहीं कर सकते ज़्यादातर नहीं बह तो ये जब फ़ौरन ओल्ड एज वाला फेज स्टार्ट होता है ना तो डिनाइल सबको होता है बट जिसका जब ये लेंगर ऑन कर जाता है एक्सेप्टेंस नहीं आती तो वो डिनाइल प्रॉब्लमेटिक होता है ठीक है जब आप चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यू विल नेवर एबल टू अडाप्ट विद द कंडीशन प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है ठीक है प्रोजेक्ट ये होता है कि खुद एक्सेप्ट ना करना किसी और पर प्रोजेक्ट करना कि मुझे ये इशू नहीं है फ्लान को ये इशू है ठीक है तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिनाइल और लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ठीक है

ठीक है ये फैमिली लेवल पे एकप्लाइटेशन होती है थोड़ी बहुत जो इनकम आ रही होती है वो लोग एक्सप्लॉयट करके कर लेते हैं प्रॉपर्टी अगर हो वो एक्सप्लॉयट करके ले लेते हैं क्योंकि वो उस तरह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग नहीं ना लैक ऑफ असर्टिवनेस है आप डरते डरते नो नहीं कह सकते रोक नहीं सकते अगर पता भी है क्योंकि आपको डर है कि बच्चे छोड़ के चले जाएंगे तो आपका क्या होगा ठीक है तो ये एक्सप्लाइटेशन घर से भी आती है ये एक्सप्लाइटेशन सोसाइटी से भी आती है ठीक है ये एक्सप्लाइटेशन आपके पॉलिसी मेकर से भी आती है बूढ़ों को क्या पता हज़ार दो हज़ार पेंशन रख दो इनको क्या है लाइन में पूरा दिन खड़े रहो दिस इज़ एक्सप्लाइटेशन ठीक है कि आप उनको बेसिक राइट्स पे एक्सप्लॉट कर रहे हो ठीक है फिर ये एक्सप्लाटे एल्डरली ख़ुद भी करते हैं अपनी एज को ख़ुद भी मतलब नेगेटिव uh, कॉनटेशन में यूज़ करते हैं ठीक है फिक्सेशन इन रिग्रेशन फिक्सेट हो जाते हैं बस यही खाना है यही खाते रहना है ठीक है एक किस्म की टिपिकल न्यूट्रिशन या फिक्सेशन ऑन फूड जो है दैट इज़ इंक्लूडेड इन पुअर लाइफ और मैल uh, ठीक है अगर आप एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे तो बैलेंस डाइट कभी नहीं होगी तो फूड आइटम्स पर फिक्सेशन हो जाती है और चीज़ों पर फिक्सेशन हो जाती है जिधर चेंज नहीं बर्दाश्त होता ठीक है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन होते हैं जिस बेड पे सोते हैं उधर ही सोना है एक प्रोग्राम टीवी का तो ये फिक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह से नहीं रहती है ठीक है चिड़चिड़ापन या ज़िद्दी पान आ जाता है थोड़ा सा ठीक है आइडियलाइजेशन बहुत होती है चीज़ों को आइडियलाइज करते हैं पुराने अच्छे वक्तों को याद करते हैं विदड्रॉल ठीक है आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को ठीक है अपनी एक्टिविटीज इस तरह से कर लेंगे कि अपने आप को बाकी घर वालों से आइसोलेट कर लेंगे ठीक है एंड आइसोलेशन के अब बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं ठीक है लोनलीनेस लैक ऑफ़ सेल्फ इस्टीम जब उस तरह सेटिव नहीं रहते तो ज़्यादा सेल्फ इस्टीम भी सफ़र करती है यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको अच्छा हेल्थ एरियाज अगर हम टच करें तो कंसर्फ और फिज़िकल एरियाज़ दैट रिक्वायर अ टेंशन आर कंसर्न फॉर फ़िज़िकल एंड मैंटल वेलबींग ठीक है हेरिंग एम्पेयरमेंट के होते हैं ठीक है फिजिकल हम काफ़ी फिजोलॉजिकल इशूज़ डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होते हैं ख़वान में ठीक है ऑस्ट्रोप्रियाज होता है ब्रेस्ट कैंसर्स आकमन ठीक है और थर्ड डिग्री कैंसर्स होते हैं हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं एल्जाइमर्स पाकिंसन ओल्ड uh, एज में uh, जो है वो और भी बहुत ज़्यादा फिजोलॉजिकल जो है वो जो है वो इश्यूज होते हैं ठीक है थीके? बाहर के उसमें बहुत ज़्यादा एच आई वी एड्स एल्डरली में बहुत होता है हेरिंग इम्पेयरमेंट ठीक है अब अगर हेयरिंग एम्पेयरमेंट है जो एक नॉर्मल चीज़ है कि आपकी बॉडी की वेयर एंड एयर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको सेंसेस में अब सुनाई नहीं दे रहा है ठीक है तो उसका क्या हाल है हेरिंग इम्पेयरमेंट का हाँ मतलब सुनाई नहीं दे रहा हेरिंग एड ठीक है सुनाई नहीं दे रहा तो यूजली बहुत इराटेट होते हैं एल्डरली जब उनको सुनाई नहीं देता ठीक है और जिसको सुना रहे होते हैं वो अलग इराटेट हो रहा होता है ठीक है क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं उन तक आ रही होती वो ऊंचा बोल रहा होता है जब सुनाई नहीं देगा तो चिड़चिड़ा पाना आ जाएगा कि मेरी बात नहीं सुनते समझते नहीं हैं मुझे जवाब नहीं देते हैं ठीक है तो उसका हल यह है कि आप फ़ौरन से जो है वो हेयरिंग एड कोई बुरी चीज़ नहीं है आप उनका हेयरिंग वो जो है वो टेस्ट करवाएं और उसके बाद हेयरिंग एड उनको लगवा दें आई डिजीज़ ये बहुत ज़्यादा होती हैं मोतिया आँख की नज़र कमज़ोर हो जाना आँखों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अगेन ये रिलेटेड हैं डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड हैं और अदर इश्यूज़ के साथ फिजोलॉजिकल इशूज़ के साथ रिलेटेड हैं ठीक है टीथ एंड माउथ प्रॉब्लम्स ठीक है जो आपने कहा डेंचर्स लगे हुए हैं खाना च्यू नहीं हो रहा जब खाना च्यू नहीं हो रहा तो वो स्टमक में अनच्यूट जा रहा है दैट लीड्स टू लॉट्स ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ठीक है सही तरह से स्टूल नहीं पास हो रहा तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं ठीक है तो ये कंडीशंस प्रॉपर चेकअप्स करवाने चाहिए ओल्ड एज में और अवेयरनेस देनी चाहिए एल्डरली को कि जी आप अपने चेकअप्स करवाएं तो बेसिकली अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ठीक है कि रेगुलर हेल्थ uh, चेकअप्स होने चाहिए एल्डरली के ठीक है ताकि रूल आउट हो कि क्या एक आवाज़ ना सुनाई देना दिखाई ना देने से कितने इश्यूज आते हैं ठीक है डेंचर्स के ना होने से कितनी ज़्यादा फिजोलॉजिकल पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं कि उस एल्डरली को डिनाइल से निकाल के एक्सेप्टेंस में लाना है और उसको कन्विंस करना है कि जाए जी आप चेकअप ज़रूर करवाएँ ठीक है रिस्पॉन्डिंग टू डायबिटीज़ ठीक है ये भी एक बहुत बड़ा डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर एल्डरली ठीक है आप उसको वो रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रहे हैं कुछ ये तो अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो डायबिटीज़ हर किसी को है ठीक है ये एक मिथ है कि ये तो जो डॉक्टर के पास जाएगा उसको डायबिटीज़ तो लाजमी होगी ठीक है ये एक uh, मिथ है जिसको तोड़ना तो पड़ता है कि नहीं भाई ये इसका ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर आप इसको अनअटेंडेड अगर छोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी नज़र चली जाएगी और बहुत सारे इसके साथ इश्यूज़ हैं रिलेटेड ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली रिलेटेड है अवेयरनेस से ठीक है अपने डायबिटीज़ के टेस्ट कराएं उसको रिस्पोंड किस तरह से करना है एक्टिवली इसको लेंगे तो ज़रा बहुत सारे फिजोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से एल्डरली बच जाएगा ठीक है इश्यूज़ ऑफ मोबिलिटी ठीक है उतने एक्टिवली मोबाइल नहीं रहती फीमेल ओल्ड एज में ठीक है जिस तरह से पहले है सफ़र नहीं कर सकती घर में मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ठीक है तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि अगर उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो उनको उसके लिए कि सोटी पकड़ के चलना इज़ नॉट एन इशू ठीक है ये आपको प्रिवेंट करेगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स है डीलिंग विद फिज़िकल डिसबिलिटी टर्मिनल डिजीज़ क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं ठीक है वो बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल उसमें आती हैं जैसे कैंसर्स हमने डिस्कस किए हैं हमने हार्ट प्रॉब्लम्स देखे हैं ठीक है डायबिटीज़ हैं एच आई एड्स है ठीक है थीके? ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ओल्ड एज में बहुत कॉमन है फूड एंड न्यूट्रिशन कॉमन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन एट फूड सिक्योरिटी ठीक है उस नहीं आप मतलब ये बेसिकली पॉलिसी मेकर्स का काम है इन चीज़ों को शोर करना ठीक है कल्चरल बिलीव्स ठीक है जिस तरह से कल्चरल बिलीव्स हैं कि दूध ना अंडा ना दें ठीक है बहुत गर्म होता है ये लड़कियों के साथ यूजुअली है ना ये चीज़ें गर्म चीज़ें ना खाएं तो बैलेंस डाइट कहाँ से मिलेगी ठीक है तो ये कल्चरल बिलीव्स ओल्ड एज में भी बहुत ज़्यादा हैं ठीक है थीके? जब ये फूड रिलेटेड कल्चरल बिलीव्स आते हैं तो ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन हो जाती है उस तरह से बैलेंस डाइट नहीं मिलती है इस्टेब्लिश लाइफ स्टाइल फूड्स हैबिट्स एंड प्रेफ्रेंसेज कॉमन प्रॉब्लम में फिजिकल डिसबिलिटी आती है आई साइट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं स्ट्रेस की बात हो चुकी है पहले ठीक है ड्यू टू लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस एज़ कम्पेयर टू अदर एज ग्रुप्स सेंसेस वीक हो जाते हैं ठीक है स्मोकिंग एंड ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा है एल्डरली में नाट ओनली इन डिवेलप्ड वर्ल्ड बट ऑल्सो इन डिवेलपिंग वर्ल्ड ठीक है हमारे यहाँ एडिक्शन और ये स्मोकिंग हुक्का नस्वार ठीक है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और उससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है ठीक है स्मोकिंग की हैबिट भी है या इस एज में आगे हैं तो लोनली हैं ठीक है थीके? तो हुक्का पीना शुरू कर दिया है नसवार डालना शुरू कर दी है ठीक है थीके? और इससे रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स लंग्स के इश्यूज नसवार डालने से माउथ कैंसर्स जी गांस कैंसर्स हो जाते हैं माउथ के स्मोकिंग बहुत सारी एल्डरली वुमेन जो है वो बहुत स्मोक करती हैं ठीक है थीके? ये है ड्रग्स लेती हैं बिकॉज वो रिएक्शन है फॉर ऑल दो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोनलीनेस और इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ठीक है लॉस ऑफ टी चेंजेस इन गेस्ट इंटस्टाइनल ट्रैक ठीक है जब वो छ्यू नहीं कर सकते तो इस तरह से भी होता है मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं सवेर कॉन्स्टिपेशन होती है या इस तरह की या तो लूज़ हो जाएगा स्टमक या बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगी जिस तरह से डिवेलप वर्ल्ड का मैंने आपको बताया कि वहाँ कॉन्टीन्यूसली एक प्रिवेंशन चलती है जो ही आ, इस तरह के लोग आ, जो ग्रुप ओल्ड एज में आता है तो ऑटोमेटिकली प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ ओल्ड एज के साथ ही नहीं काफ़ी सारी मतलब इशू ये बहुत बड़ा है कि लोगों के लोग, पास अवेयरनेस नहीं है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिसलीड या मिसगाइड होते हैं ठीक है कई दफ़ा चार साल से चल रहे हैं आ, गैस्ट्रो के बहुत ज़्यादा स्टमक के इश्यूज़ हैं डायग्नोज नहीं हो पा रहा कि मसला क्या है ठीक है ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं फिर अक्सर ओल्ड एज केसेस में मैंने देखा है कि न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रेन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है अब उन ब्रेन इन्फेक्शन के नंबर ऑफ़ हैं अगर मिडिल एडल्टड से डायबिटीज़ चल रही है या ऑस्ट्रोप्रियासिस चल रहा है और कोई क्रॉनिक एलमेंट चल रही है तो वो यूजली इन्फेक्शंस ब्लड में कॉज क्रॉज ब्लड में कॉज कर देती है जो ब्रेन तक किसी तरह पहुंच जाते हैं ठीक है अच्छा अब ब्रेन में जो इन्फेक्शंस कॉज होते हैं उनके जो फिजिकल सिम्टम्स होंगे वो सबसे पहले ये होंगे कि खाना जो है ना वो च्यू नहीं कर सकेंगे निगल नहीं सकेंगे ठीक है तो अक्सर जो है ओल्ड एज लोग वो समझते हैं कि शायद ये डेंचर्स का प्रॉब्लम है तो वो अपने डेंचर्स चेंज कराते रहते हैं ठीक है बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से ये जो मसल्स हैं ये काम करना बंद हो गए हैं ठीक है ठीके? और वो च्यू कर ही नहीं सकते डेंचर्स का कोई इशू नहीं है तो इन चीज़ों को प्रॉपरली रूल आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जियाट्रिक uh, क्लिनिक्स होने चाहिए और प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए एजिंग अगेन वी आ पुआ विया अपोल्व ओल्ड विया वोमेन नो बडी वॉन्ट्स अस ठीक है तो ये इट्सल्फ एक काफ़ी जो है वो डिप्रेसिव uh, स्टेटमेंट है मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट कल्चर में प्रवेल कर रही है और वही ओल्ड एज में भी जो है ना वो बाबी से ज़्यादा बाबों को प्रेफर किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट डिफरेंट अमाउंट ऑफ इनपुट बाय मैन एंड वुमेन दोनों जो है वो इक्वल इनपुट भी करें तो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है घर से अगर बेटा भी जॉब uh, पे जा रहा है और बेटी भी लेकिन माँ जो है वो सालन में से जो बोटियाँ हैं ना अच्छी वाली वो बेटे के लिए ही रखेगी निकाल के तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये ओल्ड एज में भी उसी तरह से जाती है अच्छा इम्पोर्टेंस वही एरियाज़ क्या हैं जिनको एरियाज ऑफ नीड और इम्पोर्टेंस हैं इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ सोशल इश्यूज एंड इकोनॉमिक इश्यूज वह well, वर्ल्ड में भी इन्हीं तीन पिलर्स पर काम हो रहा है ठीक है वो कहते हैं कि जी हेल्थ फैसिलिटीज बेसिक राइट है इनका सोशल फैसिलिटी सोशल सपोर्ट जो है इनका बेसिक राइट right है और इकोनॉमिक, ठीक है जो बाहर डब्ल्यू एच ओ ने जो मॉडल दिया है फॉर एल्डरली वो यही दिया कि ये तीन पिलर्स हैं इन तीन पिलर्स पे कोस पे स्टेट को एश्योर करना है कि आपने ये तीन राइट्स एल्डरली को देने हैं अगर आप उनकी हेल्दी एजिंग चाहते हैं आप चाहते हैं कि वो स्टेट पर बोझ ना बने बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी हेल्थ सिस्टम ओवरक्राउडेड ना हो तो जब जूँ ही वो इस एज में आते हैं तो ये तीन बेसिक राइट्स उनको मिलने चाहिए सोशल सिक्योरिटी क्या होती है वॉट इज़ सोशल सिक्योरिटी हाँ सोशल सिक्योरिटी ये जो आपकी पेंशनस वग़ैरह और ये जो है ना ये सोशल सिक्योरिटी वाले करते हैं ठीक है सोशल वेलफेयर का जो बाय डिवेलप वर्ल्ड में काम है वो ये है कि यहाँ पे तो पेंशनस देते हैं ना सोशल सिक्योरिटी वाले वहाँ पे होता है कि एश्योर करना कि इनको बेसिक राइट्स फ्रॉम द फैमिली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे ठीक है अगर नहीं मिल रहे तो वो उनको किसी ओल्ड एज ओल्ड होम में uh, जो है वो शिफ्ट uh, कर देते हैं जहाँ उनकी बेसिक नीड फॉर न्यूट्रेशन और ये चीज़ें मीट uh, हो रही हूँ ठीक है अच्छा अब ये जो सोशल सिक्योरिटी होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली पाकिस्तान में आया और अर्थ को एक के बाद ही आया ठीक है जब उन्होंने देखा कि जी डिप्राइव जो हैं ड्यू टू डिज़ास्टर वो बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो ये सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ और एन जी ओज ने बेसिकली फ़ंड uh, किया कि ये बूढ़े लोगों को के जो क्लिनिक्स हैं इसमें बूढ़ों का अलग डॉक्टर होना चाहिए और बच्चों का से फ़ॉरेन एन बहुत सारी आई तो उन्होंने ये शोर किया कि ये चीज़ें इसमें इनके घर विज़िट करना है विजिट करके देखना है कि इनके पास बेसिक नेसेसिटीज हैं अब छोटी मोटी पॉकेट मनी उनको देनी है या उनको ऐसा एक्टिव पार्ट बनाना है कि जहाँ से वो पैसे जनरेट कर सकें ठीक है सोशल सिक्योरिटी इन डिज़ास्टर सिचुएशन में है कि निगलेक्ट ना किया जाए जिसकी मैंने बहुत बड़ी एग्जांपल दी अब वो जो बूढ़े थे उसमें देखा गया कि आई डी गेम्स में चार पाँच ना यूँ लोग बैठ के हुक्का पीना शुरू हो गए स्मोकिंग तो वो इन चीज़ों से बच जाते हैं एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जब वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है तो देखा गया उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत हाई होगी ठीक है और वो जो फिजोलॉजिकल प्रॉब्लम और वो गरीब जो आ, था पहले कि हमारा फ्लां फ्लां मर गए जलजले में वो आटोमेटिकली देखा गया कि वो कम हो गया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उनके काम हो गए और उनकी बॉडीली कम्पलेंस भी कम होगी अक्सर ओल्ड एज लोग आके कहते थे कि जी हम अपने आप को ना बिल्कुल एक्टिव महसूस करते हैं जैसे हम 20 साल पहले सुबह सुबह दफ्तर जाते होते थे अपने टाइम के साथ बहुत पंक्चुअलिटी के साथ वो अपना टास्क करते थे और बड़ा रेगुलर टास्क करते थे और उसका बहुत अच्छा जो था उस प्रोजेक्ट का आउटकम उसके बहुत अच्छा जो था वो मिला ठीक है अच्छा अब जब डिज़ास्टर होता है या इस किस्म की क्राइसिस की सिचुएशन होती हैं तो ओल्ड एज पीपल लाइक चिल्ड्रेन एंड वोमन आर मोर वलरेबल वो मोर वल और एट रिस्क होते हैं ऑफ़ नेग्लेक्ट ऑल टाइप ऑफ निगलेक्ट ऑफ फिजोलॉजिकल डिजीजेज एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक है इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट ओल्डर पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ए नीड असेसमेंट प्रोसेस ठीक है जिस तरह से किस तरह से उनको इन्वॉल्व किया इतने प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो गए ठीक है और उसका आउटकम भी इतना अच्छा आया कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कंप्लाइंस शो की एरियाज ऑफ एल्डरली शुड बी असैस ठीक है प्रॉपर जिस तरह से मैंने उनका नीड असेसमेंट होनी चाहिए इन कंक्लूजन ओल्डर पीपल नीड टू बी इन्वॉल्व इन लाइफ ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी दे नीड एज मच इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें ओल्डर मैन एंड वुमेन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली दे विजडम नीड्स टू बी यूटिलाईज दे कॉन्ट्रीब्यूशन शुड भी एक्नॉलेज एंड रेकग्नाइज देर लव कम्पेनियनशिप नीड्स इंटरैक्शन एंड शुड भी रेकग्नाइज ठीक है ये कुछ चीज़ें जो मैंने डब्ल्यू एच ओ के डॉक्यूमेंट से की थी कि बेसिकली आपका सोशल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए वही जो पिलर्स आपको मैंने बताए थी ठीक है पावर्टी ठीक है डिजीज एंड डिससेबिलिटी को आपने कंट्रोल करना है और हेल्थ इन इनको इनक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए ठीक है Thank you.